एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, -5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड बी -4, -5। अब ना ऐसा करना है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर दिए मुझे ये बताया। ठीक, तो जब भी कभी कोई ऐसे पॉइंट्स दे रखे हो तो थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। तो क्या करिए, वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश, ये हमारी हमने कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। अब उसके बाद ए और बी पॉइंट्स मैं इस पर मार्क करूंगा, तो ए कितना दे रखा है 1, -5 और बी दे रखा है -4, -5। ठीक है, तो ए गिवन है, ए है 1, -5 और बी है -4, -5। ए है 1, -5 और बी है -4, -5। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें x एक्सिस की मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, इधर 1 है और इधर -4 है, 1 है और -4 है। तो x में आप जो मिनिमम है इस तरफ -4 तक ले जाओ, ठीक है, और इधर चाहे 1 तक ले जाओ या 2 या 3 तक ले जाओ। ऐसे ही y में नीचे तो -5 तक और ऊपर +5 तक ले जाना है। तो ऐसे कर लो 1, इससे आइडिया लग जाता है कि हमको ग्राफ कितना बड़ा बनाना है। मैंने 6 तक ले गया, मैं ऊपर नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये ओरिजिन है, फिर 1, फिर 2, 3, और 4 यहाँ तक बना लो, और -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट्स, 1, -5। तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5। फिर b है -4, -5 कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 5। ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स को लो, ए है 1, -5, 1, -5 यहाँ लिखिए 1, -5 और बी है -4, -5। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। आपको बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। उन्होंने यही पूछा है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, -5 इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। फिर बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जरूरी थोड़ी है कि कोई पॉइंट ही किसी को डिवाइड करे, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रही है, तो एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। अब मैं इस पॉइंट को बोल दूंगा सी, इस पॉइंट को हमने बोल दिया सी, और यहाँ पर आप ये देखिए ये पूरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो मैं इसको लिखूंगा सी के कॉमा 0, ऐसे लिख देंगे सी के कॉमा 0, समझ गए, या के मत दो सो के, तो हम उसको रेशियो को लेंगे ना, आप एक्स ही लिख लो सी एक्स कॉमा 0, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है सी, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा एक्स कॉमा 0, या तो क्लियर। अब देखिएगा, अब लिखिएगा लेट द लाइन
AB gets divided by the point CX, 0 ब्रैकेट में लिखूंगा मैं एट x एक्सिस, ये जो पॉइंट C है ये x एक्सिस पर है, एट x एक्सिस इन द रेशियो k इज टू 1। तो जब भी मुझे रेशियो निकालना होता है तो वो रेशियो को हम क्या लेते हैं, k इज टू 1 लेते हैं, है ना। तो अब आप ये देखिएगा, अब मुझे इसमें सीधा सीधा सेक्शन फार्मूला लगा। तो जब उन्होंने बोला कि फाइंड द रेशियो, अब ये तो मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखा दिया, ठीक। अच्छा, हर बार क्या ग्राफ बनाएंगे क्या? पहली बार मुझे एक क्वेश्चन समझाना था ताकि आप इसको देखकर समझ जाएं कि ये डिवीज़न हो किस तरीके से है, इस वजह से मैंने ग्राफ बनाकर समझाया है आपको। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि दो पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो वाई की वैल्यू जीरो ले लो और एक्स की वैल्यू को एक्स ले लो। अगर वो बोलते हैं कि इन विच रेशियो, इन वॉट रेशियो इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, तो भाई वाई एक्सिस भी तो इसको डिवाइड कर रही है, एक बड़ा टुकड़ा ये और छोटा टुकड़ा ये, वाई एक्सिस भी तो यहाँ पर डिवाइड कर रही है। तो वाई एक्सिस का डिवीज़न की अगर बात करते हैं तो उसमें मैं एक्स की वैल्यू जीरो लेता, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो होता ही नहीं है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है, समझ रहे, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना, अब सेक्शन फार्मूला लगा देना है। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि रेशो मैंने मान लिया k is to 1, ठीक, तो m1 is equal to k और m2 is equal to 1, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। अब a कितना है, 1 कॉमा माइनस 5, यानी कि x1 कॉमा y1, तो x1 is 1, y1 is minus 5, इसी तरीके से b है x2 comma y2, तो x2 is minus 4 और y2 is 5, x2 is minus 4 और y2 is 5, ये हो गया। तो by using section formula दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को, मैंने ये ऊपर लिखा है बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, नीचे लिख रहा हूँ उसको काट के दोबारा तो दिख नहीं रहा है। बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी of C is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ठीक है। और coordinates of C कितना दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर लाइन कर रहा है तो वाई की वैल्यू जीरो, एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एम वन एक्स टू, क्या है एम वन एक्स टू, देखिए इसको ऐसे ना लिख लेना, इसमें आपको बता रहा हूँ कि एम वन एम टू एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। इसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, m1 x1 y1 ऐसे लिख लेना, m2 x2 y2 ऐसे लिख लेना। तो m1 x2 कैसे लिखा जाएगा, m1 x2 तो k into minus 4 minus 4 k, फिर m2 x1, m2 x1 तो 1 into 1 कितना हो गया 1, तो minus 4 k plus 1 upon m1 plus m2 क्या हो गया k plus 1 comma, अब m1 y2 plus m2 y1 तो m1 y2 तो k into 5 5 k और m2 y1, m2 y1 मतलब 1 into minus 5 मतलब minus 5, तो 5k minus 5 upon k plus 1, ये हो गया। अब देखिएगा, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकलते ही हमारे पास रेशो आ जाएगा, ठीक है। हमने रेशो को ही k is to 1 माना है, तो k is to 1 मतलब k upon 1,
तो जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशो आ जाएगा। तो आप क्या करिए, ज़्यादा आसान क्या है, आप y वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, क्योंकि y वाला कोऑर्डिनेट हमारा जीरो है, ठीक है। तो लिखिएगा इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड्स, तो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कट गया, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज, जब k की वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो में तो आई नहीं वैल्यू, रेशियो में बना लो 1 अपॉन 1 है ना, सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1। और जब भी कभी रेशियो 1:1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका मिड पॉइंट है, तभी तो दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे समझ में आया है, आप ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ, ये दोनों इक्वल होगी। अगर मान लीजिए ये वाली लेंथ भी 50 है और ये वाली लेंथ भी 50 है, तो m1 अपॉन m2 कैसे निकलेगा, 50 अपॉन 50, यानी कि 1। दोनों लेंथ जब इक्वल होंगी तो मैं क्या बोलूँगा कि जो बीच वाला पॉइंट है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो हमारा आ गया 1:1। देखो जरा आंसर पीछे फिफ्थ का, मैं देखता हूँ तुम बुक ही नहीं लेके आते सब लोग, खाली बैठे हुए ऐसे। अरे मैं इधर देख रहा हूँ, ये सारे तीनों खाली बैठे हैं, ये पीछे भी तीनों खाली हैं। हाँ जी बोलिए। अरे एक मिनट, डे करके हंसने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अरे सुन लिया तुमसे कह रहा हूँ, हाँ तो जरा धीरे से हंसा करो। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 1:1। और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, सोमिल कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बताओ सर, क्वेश्चन नंबर फोर अभी बता दें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि मुझे x की वैल्यू और निकालनी है, तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0 है, x की वैल्यू और निकालनी है, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1, एक तो रेशियो आ गया। अब ये कहेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर देखो इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4k+1/k+1। अच्छा, k कितना निकाला हमने, 1, -4 × 1+1/1+1, -4+1/2, तो x इज इक्वल टू -3/2, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आर -3/2, 0। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
माइनस 3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। इसमें सीधा सीधा रेशो पूछा जा रहा है, तो रेशो को वही आपको k:1 मान लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, -3, 10 एक ए है, इसका पॉइंट क्या दे रखा है -3, 10। दूसरे को आप बी मान लो, वो क्या दे रखा है हमको 6, -8। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हमने इस तरह से बनाकर देख लिया कि ए इधर हो गया और बी इधर हो गया, और वो बोल रहे हैं कि इट इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो मान लो कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट सी है -1, 6, तो मुझे m1 और m2 रेशो निकालना है। तो ये कहेंगे लेट द रेशो इन विच Let the ratio in which C divides AB be m1:m2 is equal to k:1। तो उसको k:1 मान लिया हमने। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही m1x1y1 और m2x2y2 के तीनों की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, k x1 और y1, x1 की वैल्यू कितनी है -3 और y1 की 10। m2, x2 और y2, m2 की वैल्यू 1 है और x2 y2 कितने हैं 6, -8 और -8, ठीक है। तो लिखिएगा एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं -1, 6। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी m1x2 + m2x1 / m1y2 + m2y1 / m1 + m2 is equal to -1, 6 is equal to -1, 6। ये हो गया, अब वैल्यू डालिए m1x2 क्या हो जाएगा, m1 × x2, तो k × 6, 6k। m2 और x1, तो 1 × -3 = -3 upon m1 + m2 k + 1, m1 by 2 कितना हो गया, m1 by 2, तो k × -8, -8k, और m2 by 1, तो 1 × 10, ये कितना हो गया 10 upon k + 1 is equal to -1, 6। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप x वाला कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, चाहे आप y वाला कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, जो आपको कंफर्टेबल हो, तो किसी को भी इक्वेट कर लो, यहाँ तो दोनों अवेलेबिलिटी है हमारे पास। तो इक्वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन बोथ साइड्स, वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट करोगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। इक्वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन बोथ साइड्स, तो 6k - 3 -1 6k - 3 / k + 1 - 1 इसको इधर ले जाओ,
सिक्स के माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन इंटू के प्लस वन, ये हो गया। तो सिक्स के माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन इंटू के इज माइनस के, और माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, ये हो गया। अब माइनस के को इधर ले जाओ, सिक्स के प्लस के और माइनस थ्री को इधर ले जाओ, तो प्लस का थ्री माइनस वन, तो सिक्स के प्लस वन कितना हो गया, सिक्स के प्लस के सॉरी सेवन के, और थ्री माइनस वन इज टू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, टू अपॉन सेवन। देयरफोर ये जो k की वैल्यू आती है यही हमारा रेशियो होता है। देयरफोर रिक्वायर्ड रेशियो इज टू इज टू सेवन। ये जो k अपॉन वन है यही तो है k अपॉन वन, k की वैल्यू टू अपॉन सेवन, और यही है वन इज टू एफ टू है, तो टू इज टू सेवन आ गया। ठीक है, बताओ भाई सोमिल क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिएगा कि मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल नंबर 8 तक करवाया था, जिसमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमने किया। उसके बाद एग्जांपल 9 और एग्जांपल 10 देखेंगे। बस दो मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। Thank you.
चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। छोड़ दूं क्या इसको, कर लोगे अपने क्वेश्चन में? जैसे अभी आपने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, उसमें बोल रहे थे फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइंट। अब क्या वाई एक्सिस, तो y एक्सिस की जब बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे, ठीक है? वो तो देखते ही बता देगा क्या होगा। इसको भी दे दो, इसको आइंस्टीन को भी दे दो। अरे वो उधर तो है बहुत नहीं, तो लाए क्यों नहीं भाई, पता क्यों नहीं था भाई? मैथ्स का मैंने लिख कर डाला था, तुम भी नहीं ना, ये भी गलत बात है। यहाँ भी सारे के सारे कोरे ही बैठे ना, किसी के पास बुकी नहीं है। चलो एग्जांपल नंबर 10 देखो जरा, एग्जांपल नंबर 9 छोड़ो, नहीं करे नहीं करे, लेकिन आज कर दूंगा, आज 11 बजे आना, ठीक है? 11 बजे फ्री होंगे उसके बाद। क्या करवा रहा है? 11 बजे एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, और एग्जाम्पल नंबर 10 पर इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9 आपको बता देता हूँ कि उसमें सिमिलैरिटी क्या है। जैसे अपने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करा, तो उसमें उन्होंने बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अब एग्जाम्पल नंबर 9 जो है इसमें वो बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ए और एक बी, ठीक है? तो जब वाई एक्सिस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, हम एक्स को जीरो ले लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वही एक्स को जीरो लिया और उसको उसको इक्वेट कर दिया और वैल्यू निकाला है। आप कहेंगे तो मैं करा देता हूँ, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो एक पॉइंट दे रखा है ए। अब मैं इसको बनाकर नहीं दिखा रहा, जैसे मैंने वहाँ दिखा 5, -6 और दूसरा पॉइंट है बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, -1, -1, -1, -4, ठीक है? और यहाँ पर एक पॉइंट है सी, ये जो सी पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये सी पॉइंट कहाँ पर है, ये वाई एक्सिस पर है। तो बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो इसको सी को आप क्या मानोगे, 0, y, समझ गए कि नहीं? क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स और रेशियो क्या है, लेट द रेशियो बी, वन इज
टू एम टू इज इक्वल टू के एस टू वन, तो रेशियो को हमने के एस टू वन मान लिया। अब क्या करेंगे, एम वन एक्स वन और वाई वन। एम वन क्या है के, एक्स वन वाई वन क्या है फाइव और माइनस सिक्स। एम टू एक्स टू वाई टू, एम टू कितना है वन और एक्स टू वाई टू कितना है माइनस वन माइनस फोर। एक्स टू वाई टू हो गया माइनस वन माइनस फोर। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जीरो कमा वाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बाय सेक्शन फॉर्मूला में लिखिए जरा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू जीरो कॉमा वाई, इज इक्वल टू जीरो कॉमा वाई। ये हो गया। अब वैल्यूज डालिए एम वन एक्स टू, तो वाई के इंटू माइनस वन माइनस के, एम टू एक्स वन वन इंटू फाइव तो प्लस का फाइव, एम वन प्लस एम टू के प्लस वन कॉमा एम वन वाई टू तो के इंटू माइनस फोर माइनस फोर के, एम टू वाई वन तो एम टू वाई वन तो वन इंटू माइनस सिक्स माइनस सिक्स अपॉन एम वन प्लस एम टू अगेन के प्लस वन जीरो कॉमा वाई। अब सीधी बात है कि भाई इसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि ये जीरो है, निकालना आसान रहेगा। तो इक्वेटिंग वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन बोथ साइड्स प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये उधर चला गया। माइनस के प्लस फाइव के प्लस वन इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस के इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो के की वैल्यू कितनी आ रही फाइव। देयरफॉर required ratio is 5:1, 5:1, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 5:1। चलिए जी, उसके बाद इन्होंने बोला था also find the point of intersection, अगेन फिर वही बात है कि वो पॉइंट भी आपको बताना है। therefore point c, ये जो point c है इसमें हमारा y वाला कोऑर्डिनेट बचा है, तो y कैसे निकालेंगे, इसको y के बराबर रख दीजिए, कैन बी कैलकुलेटेड पॉइंट c कैन बी कैलकुलेटेड y इक्वेटिंग द y इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस फोर के माइनस सिक्स अपॉन के प्लस वन, माइनस फोर के माइनस सिक्स अपॉन के प्लस वन। तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू डालना है यहाँ पर, k की वैल्यू कितनी आएगी फाइव माइनस फोर इंटू फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव प्लस वन, माइनस फोर फाइव का कितना हो गया माइनस ट्वेंटी, माइनस सिक्स अपॉन फाइव प्लस वन इज सिक्स, माइनस ट्वेंटी सिक्स अपॉन सिक्स टू थ्री जा सिक्स थर्टीन जा माइनस थर्टीन अपॉन थ्री माइनस थर्टीन अपॉन थ्री। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज इक्वल टू क्या था जीरो कॉमा वाई, तो जीरो कॉमा
30 अपॉन 3, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में या पॉइंट ऑफ डिवीजन, कुछ भी बोलिए। अब अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 10, समझ गए ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई प्लीज। सोमिल विधि बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में है, इफ द पॉइंट्स A61, B82, C94 एंड DP3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, तो ए कितना है 6.1, बी कितना है 8.2, सी है 9.4 और डी है 3.3। वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो वो कह रहे हैं कि आपको पी की वैल्यू बतानी है। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं कि भाई यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाल ली, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और यहाँ डी सी की वैल्यू निकाल ली, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि शायद पी की एक इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगी, फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस फार्मूला वाला फंडा है वो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि उलझ कर रह जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। आसान तरीका क्या है, एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये बीडी और ये एसी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो बीच वाला पॉइंट है उसको ओ बोल दिया हमने। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि भाई ये जो डी ओ है और ये जो बी ओ है ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब बी डी का मिड पॉइंट क्या है, ओ, बी डी का मिड पॉइंट क्या है, ओ। और इसी तरीके से ये जो ए सी है, इस ए सी में ए ओ और सी ओ इक्वल होगा, तो ए सी का मिड पॉइंट ये भी ओ है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर आप समझ लीजिए, दो मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा, एज वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other as we know that diagonals of a parallelogram bisect each other that is midpoint of AC is equal to midpoint of BD. AC का midpoint जो है वो भी वो ही है और BD का midpoint है वो भी वही है, तो दोनों के midpoint सेम हो गए। जब सेम हो गए तो दोनों के midpoints को इक्वल रख दो। इक्वल रख दो, इक्वल कैसे रखेंगे, x1 y1 ये है AC के लिए और AC के लिए x1 y1 ये और x2 y2 ये। तो midpoint formula क्या होता है, x1 plus x2 y1 y1 plus y2 by 2, ठीक है, दोनों को इक्वल रख देना। ऐसे जो BD है, BD का जो मिड पॉइंट है वो भी सेम होगा, तो उसको आप बोल दो x1 dash plus x2 dash by 2, y1 dash plus y2 dash by 2। तो कैसे निकलेगा, x1 और x2 को ऐड कर दो, तो x1 कितना है AC का 6 और इसका कितना 9, तो 6 plus 9 y2 y1 plus y2 by 2, यानी कि 1 plus 4 by 2, अब BD
की बात करें तो बी डी है तो ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, तो एट प्लस पी बाई टू कॉमा जो इसका वाई वाले कोऑर्डिनेट से यानी कि टू प्लस थ्री बाई टू, ये कितना हो गया फिफ्टीन बाई टू कॉमा फाइव बाई टू, एट प्लस पी बाई टू कॉमा फाइव बाई टू, ये हो गया। तो देखो वाई वाला तो इक्वल है ही, दिखाई दे रहा है फाइव बाई टू फाइव बाई टू, एक्स वाला भी तो इक्वल होगा, तो एक्स वाले को इक्वेट करिए और पी की वैल्यू निकाल लीजिए। कोई स्क्वायरिंग नहीं करनी, कोई अंडर रूट नहीं निकालना, तो आपका डिस्टेंस फार्मूला की कंपैरिजन में बड़े आसान तरीके से हो गए। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने जैसे बोला कि ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, अगर मान लीजिए वो रेक्टेंगल बोल दें तो भी आप मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा कर ही करें, अगर मान लीजिए वो पैरेलल स्क्वायर बोल दें तो भी, रोम्बस बोल दें तो भी, क्योंकि स्क्वायर हो रोम्बस हो रेक्टेंगल हो पैरेललोग्राम हो सबके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि उनके डायगनल्स के मिड पॉइंट सेम होंगे। चलिए तो अब आप एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, लिखिएगा इक्वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट, equating the x coordinate 8 plus p upon 2 is equal to 5 by 2, 8 plus p upon 2 is equal to 5 by 2, तो इधर भी upon by 2, इधर भी upon by 2 cancel out हो गया, तो 8 plus p is equal to 5 आ गया, 8 को उधर ले जाओ तो p is equal to 5 minus 8, सर फिर g by 2 नहीं होगी, हाँ अच्छा सॉरी मैंने गलत ले लिया, 15 by 2 15 by 2, 8 plus p is equal to 15, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7, p की वैल्यू 7 आ गई यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिएगा इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, 5 तक आपने करे थे, 6 7 8 9 10 ये करना, बाद के 5 क्वेश्चन, चैप्टर आपका ये कंप्लीट है, ठीक है। अगला चैप्टर मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा स्टार्ट, और मंडे को क्या बोला था आपको, कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री और एपी, ट्रिग्नोमेट्री और एपी, तो जो बच्चा चाहेगा वो दोनों का टेस्ट दे सकता है, और जो बच्चा चाहेगा नहीं किसी एक चैप्टर का देना तो एक चैप्टर मंडे, ठीक है। चलिए जी ओके, बैक करेगा।